नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में HDFC की तरफ से एक नया NFO आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। NFO भी देखिए बहुत ही कमाल का है, काफ़ी बढ़िया NFO HDFC की तरफ से लॉन्च किया गया है। और अगर मैं HDFC के बारे में बात करूं, देखिए HDFC SBI के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी AMC कंपनी है। तो यहाँ जो NFO लॉन्च किए जाते हैं काफ़ी बढ़िया वो रहते हैं, और ये जो NFO है ये मुझे पर्सनली काफ़ी शानदार लगा। बाकी डिस्कस करेंगे, आप लोग देखेगा कि ये NFO क्या आपके लिए बढ़िया है या फिर नहीं। और अगर आप लोग इस NFO में निवेश करना चाहते हैं तो 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 10 रुपये की NAV पे आप इस NFO में निवेश कर सकते हैं। देखिए NFO का अगर मैं बात करूँ, NFO का मतलब है न्यू फंड ऑफर। कोई भी कंपनी जब एक नया कोई म्यूचुअल फंड स्कीम निकालती है तो उसका NFO लॉन्च किया जाता है, जिसको आप केवल 10 रुपये की NAV पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं HDFC का जो नया NFO यहाँ लॉन्च किया गया है उसके बारे में। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये NFO आपको कैसा लगा। चलिए अब बात करते हैं HDFC का जो नया NFO लॉन्च किया गया है उसके बारे में, डिटेल में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो NFO है ये HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड है। इस NFO में जो स्टार्ट हुआ, NFO जो निवेश आप इसमें कर सकते हैं वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, इस दिन ये क्लोज हो जाएगा। देखिए लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, इसको समझिए, इसका मतलब है कि इसमें लार्ज कैप और मिड कैप को समायोजित किया जाएगा, दोनों में ही आपका पैसा निवेश किया जाएगा। यानी कि आप जो पैसा निवेश करेंगे 50% लार्ज कैप में जाएगा और 50% यहाँ मिड कैप में निवेश किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लार्ज कैप की आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और मिड कैप के जो शानदार रिटर्न्स होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड का ये बेनिफिट भी आपको मिलता है कि यहाँ आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी आपसे बहुत कम चार्ज किया जाता है। चलिए बाकी सब कुछ समझेंगे वीडियो में डिटेल में। देखिए 100 कंपनीज, निफ्टी 100 की जो 100 कंपनीज़ है वो इसमें शामिल की जाएंगी, और बाकी की जो 150 कंपनी है, 100 कंपनियों के बाद की अगली जो 150 कंपनियां हैं वो भी इसमें शामिल की जाएगी। 150 कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, जो अगली 150 कंपनी है वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। तो एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा लार्ज कैप और मिड कैप का, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और बाकी डिटेल में। देखिए लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां होती हैं जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, मार्केट की लीडर्स होती हैं, स्टेबल होती हैं, लेस वॉलेटाइल होती हैं। ये बेनिफिट्स आपको लार्ज कैप के मिलेंगे। की सेक्टर्स अगर आप देखें तो फाइनेंस सर्विसेज, IT एंड ऑटो, ये कुछ इसके टॉप के सेक्टर्स हैं जिनमें ये कंपनियाँ काम करती हैं। बाकी अगर आप मिड कैप को देखें तो 101 से लेकर 250 रैंक तक की जो कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो इसमें आ जाएगी। मिड साइज कंपनीज है, फ्यूचर मार्केट लीडर्स ये कंपनियां बन सकती हैं, इनमें पोटेंशियल होती है आगे बढ़ने की। मोर वोलेटाइल होती हैं अगर आप कंपेयर करें लार्ज कैप से, मोर वोलेटाइल होने का मतलब है थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की हैं लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न्स भी लार्ज कैप से ज़्यादा ही बनाती हैं। की सेक्टर्स अगर आप देखें इंडस्ट्रियल में है, NBFCs में है, ऑटो में, एंसिलरीज में ये कंपनियाँ निवेश करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें काम की, क्योंकि समझेंगे उन चीज़ों को जो बिल्कुल सिंपल हो, हमारी समझ में इजीली आ सके, तभी हम लोग चीज़ को सही तरह से समझ पाते हैं। देखिए निफ्टी 100 में 50% वेटेज रहने वाला है और निफ्टी 150 में 50% वेटेज रहने वाला है। 50% निफ्टी 150 में और 50% निफ्टी 100 में, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल 250 कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा, 50% टॉप 100 में और 50% 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनियों में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 250 में रह सकते हैं। देखिए सेक्टर स्टॉक सिलेक्शन आप देख सकते हैं, इंक्लूड्स ऑल कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 150। जो कंपनियां निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का पार्ट है वो कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, थोड़ा रिटर्न्स भी देखेंगे। पहले टॉप 10 कंपनियां देख लेते हैं जिनमें हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। देखिए HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, L&T है, भारतीय एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है। ये टोटल टॉप 10 कंपनियां हैं, लगभग 22.5% पैसा तो इन्हीं में निवेश किया जाएगा। देखिए इस इंडेक्स की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे, थोड़ा रिस्क कम मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। देखिए जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी होने के कारण वो आपको, आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें आपको स्टेबिलिटी देगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका 50% पैसा सीधा मिड कैप में जाएगा, थोड़ी सी वोलेटाइल है लेकिन रिटर्न्स में आपको हेल्प करेगी। तो कॉम्बिनेशन बहुत शानदार ये हमें देखने को मिलता है। देखिए PE रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं,
निफ्टी 100 का 24.44 है और निफ्टी मिड कैप 150 का 44.22 है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का 31.46 हमें देखने को मिल जाता है। कुछ ही मेन मेन सी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे, इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग जब निवेश करें तो कुछ बेसिक हमारा क्लियर ज़रूर हो। देखिए बाकी सीधा अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूँ, रिटर्न्स भी बिल्कुल यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए अब सीधा हम लोग रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए रिटर्न्स आप देख सकते हैं, रोलिंग रिटर्न्स हैं, इनको थोड़ा सा देखिए। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क है। लास्ट वन ईयर में 19.4 है, थ्री ईयर में 14 है, फाइव ईयर में 13.8 है और 10 साल में 14.2% है। बाकी आप निफ्टी 50 के भी देख सकते हैं और निफ्टी 100 के भी आप देख सकते हैं, रिटर्न्स आपके सामने। रिटर्न्स तो देखिए ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ही हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं, रिटर्न्स में दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बढ़िया है लार्ज कैप और मिड कैप का। और एक और अच्छी बात इसमें हमें देखने को मिलती है कि इंडेक्स फंड होने के कारण यहाँ आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको एक्सपेंस रेशियो का भी अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। देखिए इसमें आप SIP से भी निवेश कर सकते हैं, इसमें आप लमसम से भी निवेश कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे निवेश करने के। दोनों तरह से निवेश इसमें किया जा सकता है। फंड मैनेजर मिस्टर निर्मन मोरखिया एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल इसमें आपको फंड मैनेजर मिलेंगे। बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये आपको इसमें यहाँ पर बेंचमार्क देखने को मिलेगा जिसको ये फॉलो करेंगे। तो फंड ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, एक इंडेक्स फंड है, नया NFO है। आपको ये NFO कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी इसमें निवेश करना चाहते हैं। बाकी इस NFO संबंधित कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो भी आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।